Once again, welcome to another live session into the series of brand and brand management. And today's our topic is, does the advertising really work into the brand or branding for the small and medium class businesses? And does the advertising also work for the larger enterprises? यहाँ इसके दो व्यू आ जाती है एडवर्टाइजिंग के लिए. एडवर्टाइजिंग काम सबके लिए नहीं करती. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द एडवर्टाइजिंग, इट्स नॉट अबाउट द ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, इट्स अबाउट द ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट जो आते हैं होर्डिंग्स के अंदर में, जो आता है बिल बोर्ड्स के अंदर में, जो आता है पोस्टर्स में, जो आता है इन हाउस फ्रेम में. Like for example, when I talk about the offline advertising agencies, there are so many big agencies in India. उसमें होर्डिंग्स यूज़ की जाती हैं, उसमें बिलबोर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, उसमें पोस्टर्स यूज़ किए जाते हैं, रेलवे के डब्बों के अंदर में होर्डिंग यूज़ की जाती हैं. तो इट इज़ अ डिफरेंट वे वेयर द पीपल आर यूजिंग द एडवर्टाइजिंग फॉर द ब्रांडिंग. तो अब ये क्वेश्चन आता है कि एडवर्टाइजिंग अगर काम करती है तो ये ब्रांडिंग अगर मुझे करनी हो तो क्या ये मेरे लिए सही रहेगी, बिकॉज एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इज मच मोर हायर देन ऑनलाइन मार्केटिंग. तो एडवर्टाइजिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से द एडवर्टाइजिंग रियली वर्क डिपेंड द टाइप ऑफ बिजनेस यू आर इनटू. अगर आप एक लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में हो, लार्ज बिजनेसेस में हो, जहां आपका नेशन वाइड आपका बिजनेसेस है, वहां आप जरूर कर सकते हो. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम हैविंग द बिजनेसेस ऑफ कैब, मेरी खुद की कैब की चेन है कैब, जस्ट लाइक अ ओला एंड उबर. अगर मेरी 200 टैक्सीज है मेरी खुद की, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल इन द फोर स्टेट ऑफ इंडिया, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर एंड हैदराबाद, तो वहाँ पे अगर मैं इन चार सिटीज में वहाँ की होर्डिंग्स में या फिर एडवर्टाइजिंग पे मैं स्पेंड करता हूँ, तो वो चार एरियाज में डेफिनेटली मुझे ज़्यादा रीच मिलेगी. जैसे बड़े बस के पीछे अगर मैं एडवर्टाइजिंग मेरी डाल देता हूँ ऑफलाइन में, तो इट विल रीच टू द होल मुंबई के ये नीरव CEO, मान लो नीरव कैब, तो ये पूरे बॉम्बे में सर्कुलेट हो जाएगी, ठीक है. तो वो थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा रहेगी, लेकिन वो इंस्टेंटली लोगों के दिमाग में आएगी. बस के पीछे रहता है, बस के साइड में भी रहती है, बड़ी बड़ी जो कवरेज वाली बस रहती है, सीना ट्रैवल्स रहती है, वहाँ पर भी की जाती है. तो पूरी वो जहाँ जहाँ वो जाएगी वहाँ पता चल जाएगा. तो सिमिलरली फॉर द लार्ज बिजनेस द एडवर्टाइजिंग रियली वर्क, लाइक होर्डिंग्स, द बिग होर्डिंग्स, द बिल बोर्ड्स आ जाए इन टू द रेलवे कंपार्टमेंट, इवन ऑन द एयरपोर्ट्स ऑल्सो, वहाँ पर भी होर्डिंग्स की जाती है. फाइनेंस की भी वहाँ बहुत बड़ी बड़ी होर्डिंग्स रहती है. फिर इनसाइड द एयरपोर्ट ऑन द स्टॉल्स और द फ्रेम्स ऑल्सो ऑन द वॉल, दैट इज ऑल्सो एडवर्टाइजिंग. पर ये बहुत कॉस्टली होती है. अगर आप छोटे बिजनेसेस हो तो डेफिनेटली आपके लिए एडवर्टाइजिंग अभी फिलहाल नहीं है. वाई? बिकॉज इट कॉस्ट. खाली आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग इन इंडिया. इट इज़ वेरी हाई व्हेन इट इज अ ऑफलाइन होर्डिंग मोड. जब आप एक बड़ी होर्डिंग्स पर, मान लो हाईवे पर अगर आप करते हो, जो बहुत पहले का रेट बता रहा हूँ, अभी का करंट रेट मुझे नहीं पता, तभी भी बड़ी होर्डिंग्स जो रहती है हम हाईवे पे देखते हैं मुंबई में, एंड अगर हाईवेज पे, एक्सप्रेस हाईवे पे, दैट वॉज कॉस्टिंग वन चाई आख टू माई कजिन हु वॉज इन टू द होर्डिंग्स एडवर्टाइजिंग. तब 1 लाख तकरीबन आई थिंक था, 1 लाख फॉर द 15 मंथ्स, फॉर अराउंड 1 मंथ और 1 क्वार्टर, ठीक है. तो आज उसकी क्या कॉस्ट होगी वो मुझे भी नहीं पता. इट वुड बी वेरी हायर ऑल्सो एंड देर वुड बी सम कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो. तो इसीलिए द आंसर टू दिस क्वेश्चन, द एडवर्टाइजिंग रियली वर्क इन इंडिया, येस इट रियली वर्क इन इंडिया एंड इन ऑल्सो हेल्प इन टू योर ब्रांडिंग ऑल्सो, बट डिपेंड्स ऑन योर टाइप ऑफ बिजनेस. इफ यू आर इन टू द बिग बिजनेसिस, लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस, देन द एडवर्टाइजिंग इज फॉर यू. एंड इफ यू आर इन टू द स्टार्टअप, अ फंडेड स्टार्टअप हैविंग द लिमिटेड रिसोर्सेज, देन डोंट गो फॉर द एडवर्टाइजिंग. इट विल वर्क वंस यू हैव द गुड फंड इन योर एडवर्टाइजिंग बजट, then you can opt for the offline advertisement agencies or the offline advertising in India. So that was about the very small piece of content, or I can say a small episode on the advertising really work into the branding. So that's all about for the today's live. Kal main aaunga ek aur naye topic ke saath mein into the series of brand and brand management. Till then, bye bye. Thank you for listening to me.